मानसी को बोलिए सॉफ्टवेयर ना कैमरा लिंक भेजा आपको उन्हें भेज देना। उससे क्या होगा? उससे फोटो क्लीन आती है ना, ऐसे खींचोगे ना। बोला कैंप्स को ये नाम है सॉफ्टवेयर का, वो उसी के लिए होता है, डॉक्यूमेंट के लिए। उसको कैमरा खोलना। हाँ देखो ये है ना, तो मगर ये देखो ये दिख रहा है, गैस बंद कर दो। ये देखो ये खुलेगा ना, फोटो खींचना, और कुछ नहीं करना। नाम भेज दो, नाम कॉपी गूगल से ढूंढ लेना, फिर कुछ नहीं कर पाना। ऐसे भेजिए एपीआई डायरेक्ट लिंक हो जाएगा, भेजिए मैं आपको, वही शेयर कर देना। वो भी मिली सर, वो हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल यूट्यूबर प्रियू लाइफ। और अब आप सोच रहे होंगे ये मैं किसके घर पे हूँ। ये हम आए हैं घर पे मम्मी पापा के, अरे हिना के घर, क्या बोलूँ, मम्मी पापा का समझ लो, हिना का समझ लो, किसी का भी समझ लो, देवरानी का। और सीधे हम इधर आए हैं और ये नया घर है। याद होगा मैंने बहुत पहले एक घर दिखाया था लोधा में, मम्मी ने लिया था नया, मतलब पहले रेंट पे रहते थे ना, फिर यहाँ ये सब रेनोवेट हो गया, पूरा घर बन गया है और अब इधर शिफ्ट हो गए हैं मम्मी पापा और हिना और अमित जी। तो हम लोग इधर ही आए, सुबह 5:30 या 6 बजे पहुँचे हैं। बाकी की कहानी ऑलरेडी मैंने आपको इसी ब्लॉग में बताई है, तो मैं बार बार मतलब रिपीट में वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि इधर क्यों आए हैं। ओके वेल, ये पूड़ियाँ मैं बना रही हूँ, ले जाने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि अभी हम अपने खुद के घर में जाएंगे तो वहाँ कहाँ कुछ खाने पीने का मिलेगा, और बाहर का कौन खाएगा, खा के परेशान हो गए जब से घर से चले हैं, बाहर का ही खा रहे हैं। तो यहाँ पे लंच भी हो गया, हो जाएगा मतलब, अभी आप आगे देखेंगे। सो मम्मी ने बोला कि पूड़ी भी ले जा, ये हिना है, हिना देखिए खड़ी हुई है। सब लोग देख लेंगे, मम्मी का घर नहीं, सबका घर, मम्मी का घर, तीन चार सब घर, सब घर मेरा ही, तुम तो खाली रहने का है ना, क्या कह क्या अहमदाबाद तो लोग जाके मैं ससुराल गई, उधर का इसका पिया रहा माँ का घर उधर। हाँ देखो अहमदाबाद मेरा जो मान उधर है, वो टाइटल ऐसे डालना पड़ता है, माँ का घर मेरे जैसे तो लिख दे मम्मी का माँ, मम्मी को टाइटल पढ़ने में बड़ा मजा आती होगी। नहीं बोलती मैं रात चाचू मैंने इतना तो मुझे उधर मार दिया कर रहे पुड़ी का नहीं हाँ पुड़ी इसको ये जा इसको जाना है नीचे। ओके गाइस, सो मैं आ गई हूँ रूम में नहा धो के, चलो रेडी हो जाती हूँ थोड़ी सी। Thank you.
सिर्फ मैंने मॉइस्चराइजर और काजल लगा रही हूँ और लिप बाम, बस यही रेडी हो रही हूँ। अभी दोपहर के 12:15 बज रहा है और अभी थोड़ी देर में मैं आपको हाउस टूर कराऊंगी। सो ये है घर के बाहर का नज़ारा। ऑलरेडी मैं आपको एक बार घर दिखा चुकी हूँ जब शिफ्ट नहीं हुए थे, बहुत पहले दिखाया था मैंने। मैं आई थी, आई थिंक अक्टूबर नवंबर में आई थी गणपति के टाइम पे, तब मैंने ये घर दिखाया था आपको। अब तो ये शिफ्ट भी हो गया है, रेनोवेट भी हो गया है, सो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी अभी, उसके बाद फिर हम अपने घर चलेंगे। ये हूँ मैं। ओके गाइस, तो हम लोग सुबह 5 बजे आ गए थे और प्रॉब्लम क्या है, हम घर इसीलिए इधर आए हैं क्योंकि हमारी भी बस कह रही है, जिससे सामान आ रहा था ना वो अभी तक नहीं आया। अभी देखो 12:15 बज गया है, वो लोग नहीं आए, तो हम घर जाके करेंगे। जब वो लोग आ जाएंगे तब, मतलब आने वाले हैं 12:30 तक, बोला ये कहता कि सुबह 8 बजे पहुंच जाएंगे, तो हमने सोचा चलो हम लोग 5-6 बजे पहुंचेंगे तो भी ठीक रहेगा, कोई बात नहीं, एक घंटे में कुछ नहीं हो रहा है। फिर फ़ोन किया तो पता चला कि 11 बजेगा और देखो 12 भी बज गया। उनका वहाँ जाने का मतलब नहीं, यहाँ आए अच्छे से नहा वहा लिया, खाना वाना खा के फिर हम अपने घर जाएंगे, तब फिर मैं वो वाला घर का टूर कराऊंगी। पहले मैं ये वाले घर का टूर इसलिए करा रही हूँ क्योंकि एक बार मैं दिखा चुकी हूँ आपको, बट वो रेनोवेट नहीं हुआ था, जस्ट ऐसे ही बना था, खाली था, अब पूरा रेनोवेट हो गया है। मम्मी रहने भी आ गई, हिना भी रहने आ गई, मतलब हिना का मम्मी का दोनों का है घर, तो मैंने कहा लाओ एक टूर करा देती हूँ ऑलरेडी जब मैं आई हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर असली सफर हमारे खुद के घर से शुरू होगा, वहाँ पे बैंड बजने वाली है। हिना बहुत काम काजी बहू है। मैं तो ले चुकी हूँ ना। ये मयंक और जीहू के लिए सब्जी बन रही है। यार ये लोग आके, मैं पूरा अभी टूर लेने वाली थी घर का पूरा टूर लेने वाली थी, अभी ये लोग आ गए, इनको 1-2 घंटे लगे। इतना काम चल रहा, कैसे बनाऊं घर का वीडियो, सब गंदा वंदा पड़ा हुआ था। अभी आऊंगी तब बना रही हूँ, एरिया का तो बना रही हूँ। ओके गाइस, सो ये है एरिया, मैं घर का नहीं बना पाई बिकॉज काम चल रहा था ना, बहुत ज्यादा मैसी था। अभी मैं दोबारा में आऊंगी ना तब बना लूंगी घर का। अभी ये लॉबी वगैरह ऐसी है, ये सब लोगों के घर है। ये नहीं, ये मुस्तफा शेख, एक ये घर है, ये सब घर ही हैं। और हम चल रहे हैं दोपहर के 2 बजे। अच्छा निकल रहे हैं यहाँ से और हमारी गाड़ी धोखेबाज अभी तक नहीं आई है। यार बड़ी गर्मी हो रही है। टावर 15 2-20 वाले पे
साल में बिल्डिंग में आ गया, चाबी किधर है? अच्छा ठीक ठीक है ठीक है, नंबर दे दिया। ये जो सामने ऊपर जाएगा ना ऊपर, काम में कुछ लेके चलो, झाड़ू में 5 मिनट लगे। अच्छा ओके गाइस, तो फाइनली हम पहुंच गए अपने घर वाले बिल्डिंग में भी, तो मैंने भी देखा घर, और अब हम झाड़ू वाड़ू ले लें शॉप से, सामने ही शॉप है ये बेसमेंट में। मेरा बैग बहुत भारी उड़ गया है बोला। सो अभी क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी नहीं आई अभी तक, ये गाड़ी वाले ने सच में बहुत धोखा दे दिया। अभी दोपहर में शायद 2:30 बज रहा है, गाड़ी नहीं आई अभी तक, और घर में लाइट नहीं थी तो लाइट लग रही है, लाइट थी ही नहीं क्योंकि नया घर है ना ये, जो मुझे मिलाया तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी कुछ थी नहीं, तो अभी लग रही है वहाँ पे, और कि लगवा दी पता नहीं मेरे को, पंखे वंखे लगने हैं। सो अभी जाके मैं आपको घर दिखाऊंगी। ओके, और हाँ मैंने आपको मीशो के 3-4 प्रोडक्ट बताए थे, मुझे बताना भूल गई मैं। सो मैंने स्क्रीन पे वो नहीं डाले थे प्राइसेस, तो बहुत लोग पूछ रहे थे दीदी कितने प्राइस का है कितने प्राइस का है। सो मैं सोच रही हूँ कि देख के बताती हूँ मैं कितने प्राइस के थे वो 4 प्रोडक्ट। एक रोटी का डब्बा था और चॉपर था, एक वो था पैन था, और एक क्या था, एक और कुछ था यार भूल गई मैं, अभी दिखाती हूँ मैं, मेरा सामान आ जाए फिर मैं देख के बताती हूँ आपको। ओके, क्योंकि वो सारी चीजें उसी में पड़ी हैं, क्योंकि प्राइस मैं तभी बता पाऊंगी जब मैं उसका स्क्रीनशॉट लूंगी और मीशो पे जाके अपलोड करूंगी, फिर वो निकल के आएगा वो प्रोडक्ट, उसके बाद प्राइस देखूंगी तब मैं आपको बताती हूँ। ओके, अच्छी बात लगी मुझे इस सोसाइटी की, ऑलरेडी एक सुपर मार्केट है अंदर, मुझे लगा छोटी सी दुकान है बट अंदर सब कुछ मिलता है यार, होम डिलीवरी भी होती है, सो इट्स बेस्ट। अंदर ही बिल्डिंग के अंदर शॉप है बट पूरा अच्छे से है, सो लव दिस। ये जिगू है। सो अभी जब तक सामान नहीं आएगा तब तक सिलेंडर और चूल्हा भी नहीं मिलेगा, तो हम चाय भी नहीं बना सकते। है शॉप है इसके अंदर, ये बेसमेंट है काफी अच्छा खासा, जहाँ पे गाड़ी पार्क है, यहाँ पे लोकल शॉप भी है बिल्डिंग के अंदर। सो ये है जिगू जो शॉपिंग कर रहा है, कैसे नमकीन का पैकेट ले लो, ये खा लो अब, लेकिन यार चाय तो कहाँ से बनेगी, यार अभी बार बार में बैठने का मन नहीं है मेरा यार। शॉप अच्छी है, सब कुछ इधर ही मिल जाना नीचे आके, हाँ मतलब कुछ भी लेना हो अपनी मर्जी से। तो है आ जाएंगे। ओके गाइस, सो ये है सोसाइटी, और ये काफी बड़ी सोसाइटी, आई मीन बहुत ज्यादा इसमें विंग्स हैं, मतलब अंदर आने में कम से कम 1-2 मिनट लगते हैं। खाली घर दिखाऊंगी आपको, पहले खाली घर का टूर कराऊंगी, उसके बाद जो सामान आ जाएगा फिर एक एक करके उसके ब्लॉग्स भी आएंगे कि किचन में सामान कैसे लगाया, बेडरूम में कैसे लगाया, ड्राइंग रूम में कैसे लगाया, फिर जब सामान लग जाएगा तो उसके बाद फिर एक एक चीज जगह डेकोरेट करनी पड़ेगी, कौन सी चीज कहाँ पे सजानी है, कौन सी चीज कहाँ रखना है, उसके बाद जब पूरा घर सेट हो जाएगा सिर्फ अच्छे से तब फिर एक बार और टूर दूंगी। 15 तो 1 ही चल रहा है अभी, बाप रे यहाँ तो मैं शायद यार यहाँ तो मैं खो जाऊंगी, मेरी बिल्डिंग कौन सी है, समझा नहीं, देखो मुझे क्या लगता है हम लोग, हाँ तो हो सकता है शायद यहाँ से आते होगा, यहाँ से नहीं ना शायद इधर से, ये देखो ना ये पीछे पार्किंग पड़ा ना फर्स्ट फ्लोर, यही होगा, ये पीछे बिल्डिंग है ना, यही है बिल्डिंग, समझ ये 1, 2, 3, 4 आया, ये 19 सितम्बर से आ गया डायरेक्ट, यहाँ से जब मिठाई उतरोगे ना राइट लेना है, स्विमिंग पूल के बाजू में ही है,
इतना कुछ नहीं, आपको नए नए आए उसे लग रहा है आपको, लग रहा है ना ये नए नए। मैं मेन गेट पे ना पहुंच पाऊंगा अभी। ये देखो अभी अभी रुक, अभी सुनो, ये सामने दिख रहा है आपको? हाँ। ये स्विमिंग पूल है। कौन जाएगा वहाँ पर? क्यों इधर नहीं आओगे? टुवर्ड स्विमिंग पूल बिल्डिंग ये रही अपनी बिल्डिंग 15 नंबर 16 ये 15 वेल वो ब्लॉग गया है अभी, खैर क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से मैंने एक या दो दिन का गैप ले लिया था, जिसकी वजह से ब्लॉग थोड़े से पीछे हो गए, ज्यादा नहीं हुए, दो एक या दो दिन लेट चल रहे हैं, बट ये मैं बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बता दूंगी कि कितने का क्या आया है। सो अभी भी मेरे को पता नहीं, याद नहीं, बट मैं इसको बाद में सर्च करके स्क्रीन पे इसके प्राइस दे देती हूँ। सो ये है, मैंने रोटी का डब्बा लिया था रोटी रखने के लिए, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का आया है। इसकी डिजाइन देखो आप कितनी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात बहुत हैवी वाला है ये, और ये थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टाइल देगा आपके किचन को, आपके डाइनिंग टेबल को, इसमें आप जब रोटी रखोगे। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो एक ये लिया था, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको एक ब्लॉग में, बट मैंने प्राइजेस नहीं बताए थे, और दो तीन लोगों ने मेरे से प्राइजेस पूछे थे, और मैं ये भी बताने था प्राइजेस पूछे क्यों, आप खुद ही सर्च कर सकते थे, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको खरीदना है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप और मीशो ऐप को डाउनलोड कर लो, और पहली बार ऑर्डर कर रहे हैं तो मेरा रेफरल कोड भी यूज करें, जो अभी स्क्रीन पे आपको एक दिख रहा है ना कैसे करना है, ऐसे ही करना है, मीशो ऐप पे जाके अकाउंट सेक्शन पे क्लिक करके उधर आ जाएगा वो, आप रेफरल कोड जहां पे आप वहां डालेंगे ना और ओके कर देंगे, अपने आप वो कोड ले लेगा, उसके बाद जब आप ऑर्डर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां से कट हो जाएगा, आपको दोबारा नहीं डालना है वो, आपको जब फाइनल पेमेंट करोगे ना इसका तो अपने। और दूसरा फटाफट बता देती हूँ मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप बता दिया है, और क्या लिया था मैंने, हाँ एक एक चॉपिंग बोर्ड लिया था, एंड आई लव दिस चॉपिंग बोर्ड, ये भी वुडन का है, इसे आप मॉल वॉल से खरीदोगे ना तो कम से कम 300-350 का आएगा, मुझे सिर्फ ये 200 के अंदर 250 रुपए में मिला है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि पतला वुडन है, मोटा वुडन है, तो उतने का मिला है, करेक्ट मैंने डाल दिया है प्राइस, मुझे भी इस टाइम याद है, ठीक है। और दो चीज दूसरा ये दिखाया था, तीसरा मैंने क्या दिखाया था, चाय का डब्बा दिखाया था, अभी दिखाती हूँ वो तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, खैर चौथा ये दिखा देती हूँ, ये है लॉन्ड्री बैग मैंने लिया था, और बहुत ही प्यारा लॉन्ड्री बैग है, और ये थोड़ा सिकुड़ गया है क्योंकि शिफ्टिंग वगैरह में हो गया, जब इसमें कपड़े डाल के रखूंगी ना तो अपने आप प्लेन हो जाएगा, और इसका मुझे टैग बड़ा अच्छा लगा, टैगलाइन जो है कि वॉश मी स्माइल, वॉश मी एंड स्माइल, और इसमें ये देखिए स्माइल का वो भी बना हुआ है। सो इसको मैं भी मशीन के पास रख दूंगी और ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तो तीसरा ये, चौथा मैंने चाय का डब्बा लिया है, सो मैं अभी लेके आती हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। सो ये मैंने सॉस पैन लिया था चाय बनाने के लिए, और ये बहुत अच्छा निकला सच में, और इसे अभी मैं एक और बुक करने वाली हूँ, बिकॉज मेरे यहाँ चाय बहुत बनती, एक होता नहीं है, सो मैंने सोचा कि एक और मैं बुक करूंगी, और जस्ट 250 या 300 रुपए का है, और ये बहुत अच्छा निकला, इसकी स्टील बहुत अच्छी है, और ये आपके इंडक्शन पर भी चलेगा, स्टील इंडक्शन सॉस पैन कुछ करके ऐसे ही था, अभी डब्बा मेरे पास नहीं है, सो अगर आप इंडक्शन यूज करते हैं तो उस पर भी चाय बना सकते हैं। सो ये चौथा लिया था मैंने, ये चार चीजें ली थी, सो प्राइस के साथ बता दी है मैंने, सो आप ले सकते हो, और मीशो ऐप डाउनलोड कर लो अगर नहीं किया है, और रेफरल कोड भी इस्तेमाल कर लीजिए, ओके। और वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो अच्छा लगा हो और पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक जरूर कर देना, ओके। चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।